आई विश समी रोड मे अबाउट दिस वैन आई स्टार्ट माई फैट लॉस जर्नी मेरे पास में कोचेस थे गाइड्स थे फैमिली का सपोर्ट था लेकिन किसी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि कॉग्नेटिव डिस्टोशन बहुत होंगे दैट मीनस आप बारी बारी अपने गोल से कहीं ना कहीं दूर चले जाओगे और ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हो ये आपका दिमाग आपके साथ खेलेगा ये आपकी साइकोलॉजी भी चेंज होगा बिकॉज फैट लॉस इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग कैलरीज इट इज नॉट जस्ट अब लूजिंग इंचोलॉजिकल एज वेल इफ यूर गिविंग अप एवरी नाउ एन दिस वीडियो इज फॉर यू स्टेट टिल दी एंड

फर्स्ट एंड द फोस्ट टू अंडरस्टैंड दिस दैट ह्यूमन लाइक थिंकिंग अबाउट नेगेटिविटी जब भी आप कोई नेगेटिव पीस ऑफ कॉन्टेंट देखोगे सोशल मीडिया पे तो हमेशा वायरल होगा बिकॉज नेगेटिविटी अट्रैक्ट वायरलिटी एंड योर ब्रेन ऑल्सो थिंक्स अबाउट एन नेगेटिव थॉट फर्स्ट एंड देर इज गोइन टू बी पॉजिटिविटी विच इज गम इन सो कितनी बार ये होगा जब आप अपनी फैटलॉस जर्नी के थ्रू जा रहे हो आपके थॉट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेंगे एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग टू हैपन बट हाउ डू यू मैनेज दिस हाउ डू यू एक्नोलेज दिस एंड वॉट एक्सैक्टली इज गु हैपन वेर आज योर थिंकिंग विच इज इन फ्लैट

शिफ्ट लूजिंग फैट इज वेरी वेरी ड्रास्टिक क्योंकि बिगज जब आप बॉडी में काब्स कट कर डाउन करोगे जब भी आप कैलरीज कट कर डाउन करोगे आपके थॉट हमेशा चेंज होने लगेंगे हो सकता है आपको रिजल्ट मिलने लगे और आप थोड़ा पॉजिटिव होने लगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम बट

हम उसको किसी चीज से एसोसिएट करते हैं और हमें पता होता है वो सही या गलत है कि नहीं एक चीज आप ये जानते हैं कि आपने पढ़ाई इसलिए करी थी टू लर्न वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग बट वी आर कंडीशन ऑल्सो टू रियलाइज वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग सो दीज कॉगनेटिव डिस्कॉशन आर फोर टाइप्स विच कैन हैपन वेन यू गो थ्रू फैट लॉस जर्नी द फर्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन वन ऑल और नथिंग थिंकिंग

कहते हैं आई थिंक दिस इज माई आइडियल बीट फॉर द बॉडी दे आर नॉट रेडी टू एक्सप्लोर बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स दर नॉट रेडी टू गो थ्रू अनिटरीज ऑफ फैट लॉस बिकॉज एट दफ द डे आपकी बॉडी को आदत नहीं है फैट लॉस करने की एक चीज बताइए सास लेना नॉर्मल हार्ट ऑबियसली बीट यू पूवरी डे यू हैव नॉर्मल फंक्शन इज फैट लॉस नॉर्म फॉर द बॉडी इट इज नॉट बिकॉज द बॉडी गोज टू दिस कॉम्प्लेक्स मेनिज्मनिंग फैट टू फ्यूल और इट इज गेटिंग टू की दो हफ्ता जैसी आता है तब आप उसको ओवर जनरलाइज कर लेते हैं और वन के जी यू नहीं आगे तो हो ही नहीं सकता यू स्टार्ट जस्ट सिंपली डीलिंग द प्रोसेस एंड यू स्टार्ट डीलिंग विद यू स्टार्ट थिंकिंग सुपर नेगेटिव ये काफी सारे लोगों के साथ होता है जो ऑल और नथिंग के अलावा ओवर जनरलाइजेशन नहीं कर रहे लेकिन उनका क्या हो रहा है कि उनका थोड़ी सी गलती हो गई लेकिन वो वापस

सो फॉर एग्जाम्पल यूर नॉट अ पर्सन हु इज गिविंग अप जस्ट बिकॉज यू स्लिप्ड अवे आपका वेट स्टैगनेट हो रहा है लेकिन आप उसको जनरलाइज भी नहीं कर रहे हो एक पाउंड ऊपर नीचे जा रहा है तो आप कैटेस्टराइज नहीं कर रहे हो आप साथ में ही सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है मेरी जो बॉडी है वो रिएक्ट करेगी लेकिन आप अपनी इमोशनल रीजनिंग इतनी स्ट्रॉग कर चुके हो

एंड यू विली एबल टू चैनलाइज एनर्जी टू वर्थ पॉजिटिव थॉट क्योंकि जब तक आप अपने साथ में बैठोगे नहीं तब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपके नेगेटिव थॉट्स को टाइम नहीं मिलेगा सी मोस्ट ऑफ अस is वी make वी मेक of ऑफ नॉट कि हमें एक नेगेटिव थॉट आ रहा है हमें डर लगता है मेडिटेशन से काफी लोग जो अपने लाइफ में ट्रॉमा के थ्रू गए होते हैं उनको मेडिटेशन करते हमें डर लगता है वो अकेले खुद को देखते हैं जब आप अकेले खुद को देखते हो आपके नेगेटिव थॉट्स ग्रेजुअली डिमिनिश होंगे एंड यू विल गेट पॉजिटिविटी सेकंड स्ट्रेटेजी इज कॉग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग दिस इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग दिस इज ऑल अबाउट क्चरिंग अबाउट हाउ यू स्पीक हाउ यू टेक योर सेल्फ सीरियसली हाउ यूर वोबले सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने थॉट्स को कैसे आप रिस्ट्रक्चर करते हैं टे एन एक्साम्पल आपने अपनी डाइट पर गिवप कराया तो आपने आप आपको आई विल नॉट ईट दिस पीस ऑफ केक आई मेड अक इटिंग दिस पीस ऑफ केक इसकी जगह पर अगर आप ये बोलो कि मूविंग फॉर्वर्ड आई विल नॉट मेक अ मिस्टेक ऑफ ईटिंग पीस ऑफ केक विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई डाइट एक डिफरेंस होता है लुकंग फॉर्वर्ड अप्रोच एंड मूविंग फॉर्वर्ड अप्रोच से मूविंग फॉर्वर्ड अप्रोच को हिंदी में क्या कहते हैं आइंदा से मत करना लुकिंग फॉर्वर्ड अप्रोच यू लुक फॉर्वर्ड टू योर Future. Moving forward always comes from your past. If you're a person who says that, okay, moving forward, I'm not going to do things, it may not be perfect for you. You should look forward to it. When you look forward to something, when you look forward to a better week, when you look forward to a better day, you will automatically have that positivity to make things perfect for yourself. थर्ड थिंग इज जर्नलिंग इफ यू स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ कभी एक चीज नोटिस करी है? जब भी आप लो फील करते हो सैड फील करते हो चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे वो कुछ भी चीजों से रिलेटेड हो वन यू डोट हैव एनिबिली टू स्पीक और एक्सप्रेस आप आप अपने को एक प्रेशर कुकर बना के घुट रहे हो बिकॉज वॉट यू डू इज यू ट्राई टू सिंपली चैनलाइज योर थॉट्स इफ यू स्टार्ट राइटिंग इट अगर आप एक डायरी पे लिख रहे हो अगर आप अपने फोन के नोट्स पे लिख रहे हो यू विल फील वेरी लाइटर बिकॉज यू हैव एक्सप्रेस योर सेल्फ मोस्ट ऑफ द द्यूम ट्राई टू एक्सप्रेस थिंग्स बट डिस्पाइट बीग अ पब्लिक फिगर ऑल्सो दे आर Themselves alone. आसपास है तो लोग लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो आपको लिखना बहुत है कि आप लिखें, आपका दिन कैसा गया, आपने क्या गलती करी आपने क्या सही करा, आप अपने, आप आप अपने ट्रुथ को, को लिखेंगे जब आप लिखेंगे ऐसे भी है जो मेरी स्ट्रेटेजी बुक करते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे लिंक है मेरी बायो में काफी लोग ऐसी गोल भी फिक्स करते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट जस्ट फॉर टेकिंग दैट मोटिवेशन बिकॉज एट टाइम्स यू डोंट हैव पीपल टू एक्सप्रेस एट टाइम्स यू डोंट हैव फ्रेंड्स टू एक्सप्रेस यू नीड दैट कॉन्फिडेंटे हु कैन

रिलेटेबल वीडियो एंड फिर पर्सन हुस टू नो दट वाई डू पीपल गेन फैट आफ्ट लिविंग अ डायट ये चेकआउट करने भूलिएगा यू विलन सो मच अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड यू थैंक मी लेटर दिस इड ऑल कामरा आई एल सी नेक्स्ट वीक विद न्यू वीडियो साइनिंग ऑफ